गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। सोमवार को गुजरात में राहुल गांधी ने रोजगार से लेकर नोटबंदी तक के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि नोटबंदी से पीएम मोदी ने देश के लोगों को कुल्हाड़ी मारी है। वहीं जीएसटी को लेकर उन्होंने कहा कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। पीएम मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी 24 घंटे में से सिर्फ 450 लोगों को ही रोजगार दे रहे हैं और उनका मेक इन इंडिया फेल हो चुका है। केंद्र सरकार को घेरते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात का युवा जब राज्य में रोजगार ढूंढने जाता है तो उसे नौकरी नहीं मिल रही है। इनकी जो जीएसटी है ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। इससे देश को नुकसान हो रहा है। पिछले 22 सालों में गुजरात की जनता की सरकार नहीं चली है। गुजरात में 5-10 उद्योगपतियों की सरकार चली है।